हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिकॉर्डिनेशन के इस नए एपिसोड में। व्हाट इज एन इंटरवल? सपोज हमें सी टू एफ इस इंटरवल का नाम हमें बताना है, सो वी कैन काउंट फ्रॉम द सी टू एफ। तो सी डी ई इंटरवल नेम का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कैसे फाइंड आउट करें, वो हमने सीखा। अब दूसरी चीज आती है कि क्वालिटी ऑफ द इंटरवल। अब क्वालिटी वाइज मैं इन नोट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। सो वन इज मेजर, अनदर इज परफेक्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट ऑन गिटार। अगर मैं सी के बाद यही सी बजाता हूं, सी एंड देन सी, सो दिस इज नोन एज परफेक्ट यूनिसन। हम इन नोट्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं थ्योरेटिकली, उसके बाद हम इसको ऑडियो वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें सुनने में कैसा लग रहा है। सो दिस इज हार्मोनिकली, मतलब पैरेलली बजा रहा हूं मैं। वो इंटरवल हमें कॉन्सोनेंट साउंड कर सकता है या डिसोनेंट भी साउंड कर सकता है। नाउ डिसोनेंट का मतलब है कि जो अनस्टेबल सुनाई दे जब हम उसे सुने। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आप किस चीज के लिए म्यूजिक बना रहे हैं। अगर वो एक स्कैरी सिचुएशन है देन ये डिसोनेंट इंटरवल वर्क करेगा। फिर आप उनका अगर नोट करें कि अच्छा परफेक्ट फिफ्थ है तो ये और ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट फिफ्थ। सो इफ वी स्क्वीज अ मेजर इंटरवल by half step, that becomes a minor. But if we squeeze a perfect interval by half step, so that becomes a diminished interval. तो आप ये देखेंगे कि अब आपको हर तरीके का interval name करना आ गया होगा। Perfect unison, minor second, major second, minor third. अगर मैं यहाँ पे octave बजाऊँ, so this becomes a very long stretch. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये सब exercises करने के बाद ये देखेंगे कि आपको गिटार पे structurally भी समझ में आएगा how to play different intervals, आपको उनका use समझ में आएगा how to use them in your own compositions, in your own songs. एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर आप कोई और गाना सुनेंगे तो आपको जो म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग है, कॉर्डल अंडरस्टैंडिंग है कॉर्ड्स की। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा आज का एपिसोड, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड हेल्पफुल रहेगा इंटरवल्स के बारे में जानने के लिए। और मैं फिर आपके सामने आऊँगा एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग।